सो हैप्पी वाइल्ड लाइफ वीकेंड टू यू। गो वाइल्ड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीकेंड चल रहा है, वो भी वाइल्ड लाइफ वाला, हम वाइल्ड लाइफ वाला, तो बहुत ज़रूरी था कि इस वाइल्ड लाइफ के वीकेंड में हम आपको कुछ और अच्छा दिखाते जो हमने रिसेंटली रेस्क्यू किया। दोनों ही नाग हैं, दोनों ही ब्लैक कोबराज हैं, और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक कोबरा अगर शांत देखा जा सकता है तो दूसरा वहीं पर सेम स्थिति में बहुत गुस्सैल भी। आज यही आपको दिखाने वाले हैं, आज का हमारा मेन सब्जेक्ट यही है। जहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड में इस ब्लू लिड में जो कोबरा है, छोटा बच्चा है, ये इतना एग्रेसिव नहीं है, ये काफ़ी काम है, ये देखता है मगर बाइट नहीं करता, ध्यान से देखता है, पर जैसे ही आप इसके रेडियस में जाते हैं आप ये बाइट करने को उछलता है। मगर दूसरी तरफ ये जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले पकड़ा, ये तो बस आपको देखते ही काट लेना चाहता है। तो आइए मिलते हैं इन दोनों सांपों से और देखते हैं कि जब दोनों ही ब्लैक कोबरा है फिर भी इनमें क्या अंतर है। आइए, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त दो कोबरा है, एक बहुत छोटा और एक थोड़ा बड़ा। ये काफ़ी छोटा है और ये थोड़ा सब एडल्ट है, वयस्क ये भी नहीं है, मगर दोनों सचेत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब से इनको खोला है, इसको मेरे को थोड़ा सा देर लग गई संभालने में क्योंकि बहुत ज़्यादा भागने को आतुर था। इसके साथ भी ऐसा हुआ, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ सांप बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेव करते हैं, उसी में से एक ये सांप है हमारे सामने, छोटा है। जबकि इसके विपरीत हमको देखने को ऐसा मिलता है कि जैसे ही छोटे सांप निकलते हैं तो वो डरते हैं बहुत ज़्यादा और वो बस भाग जाना चाहते हैं। दोनों ही ब्लैक कोबरा हैं, इसमें हमें स्पेक्टिकल साफ देखने को मिल रहा है अगर आपको साफ दिख रहा हो तो, जबकि इसमें हमें स्पेक्टिकल देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि एक ही जीनस के सांप है, आप इसको नाम से अलग कह सकते हैं मगर ये दोनों सांप एक ही हैं, एक ही जीनस है। जरा देखिए कितने एक्टिव है, जैसे ही मेरा कोई चीज हिलते हुए देखते हैं दोनों साथ में उस पर फोकस करते हैं, जैसे दोनों छोटे भाई बहन हो। खैर, वाइल्ड लाइफ के इस वीकेंड पे आपका वाइल्ड लाइफ कैसा रहा हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। आपने वाइल्ड लाइफ में क्या क्या किया, क्या क्या घूमा, क्या क्या किया, क्या नया एक्सपीरियंस हुआ हमें ज़रा बताइएगा। पास में बहता कलकल पानी है, रावत भाटा का ये रोड है और यहाँ पे खूब सारा खाना है इनके लिए। बहुत गर्मी भी है आज तो पसीना थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मगर इनके लिए खूब सारा खाना है यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है ये भूखे नहीं रहेंगे यहाँ पे, इनका भविष्य यहाँ पे अच्छा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इनका भविष्य अच्छा हो। इसी के साथ ये शानदार खूबसूरत नागराज जाने को तैयार है और ज़रा देखिए आसान इसे पानी में चला गया है और ये अभी भी हमें दिख रहा है। इसको लग रहा होगा कि हम इसे देख नहीं पा रहे मगर ये हमको अभी भी दिख रहा है। पानी में जाके इसको जरूर कुछ शांति और सुकून मिला होगा। चलो उठो दोस्त, आगे जाओ। और अब ये झाड़ियों के आसपास ही घूमता रहेगा।